अरे भैया, ये सब बनाने का क्या जरूरत था? लो, आप इसमें लग गए थे, हमको बोल दिए होते भैया। अरे तो क्या बात हो गई, अपना बहन अपना बहनोई और अपना परिवार के लिए तो बना है, और तुम सारे दिन कृष्णा का नाम जपती रहती हो, तो हम सोचे भाई तनिक आज कृष्णा ही है तो तुम उसके साथ बैठ के बतिया लोगे। भोज का इंतजाम बहुत अच्छे से हुआ था बेटा, मेरा भी ये भोज भात का काम तो खत्म हो गया, अब तू अपनी गैर रस्ती पर ध्यान देना, अपने काम काज में मन लगाना बेटा। लेकिन पापा, आप हमसे मिले बिना वहां से कहे चले आए? बोलिए ना पापा। पापा तो वहां जाने के लिए तैयार भी नहीं थे, वो तो हमारे और रवि भैया की वजह से वो तैयार हो गए। हमारे आदरणीय चाचा चाची आए थे ना, माँ पापा को पूरा अमीरी गरीबी का मतलब समझा कर चले गए। पापा, आप ही कहते थे ना कि कोई भी आदमी बड़ा अपना शिक्षा और ज्ञान से होता है, ना कि कपड़ा गहना धन दौलत से। तो फिर आप आज ये बात कैसे भूल गए? पापा, कितना ऐसा उदाहरण है, जो भी आदमी बड़ा बना है वो अपना ज्ञान और कर्म का वजह से बना है। अरे पैसा गहना धन दौलत अगर ये सबसे इंसान का पहचान होता तो गांधी जी महान बन पाते का? कारे पिंटुआ, तुम तो अपनी घरवाली की तरफदारी के चक्कर में ये खानदान का इज्जत डुबा दिए। पिंटू ने इज्जत डुबाया नहीं, इज्जत बचाया। देखा, कल तक जिसको हम समझाते थे वो आज हमको समझा रही। हमको डांट रही है भाई। वीडियो मैम साहब, हमारा गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए, हम अपने दामाद जी के सामने आपसे माफी मांग रहे हैं। बेटा, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सी बाधाएं पार की और ऐसे ही पार करती रहना। क्या हुआ, आप यहाँ कहाँ रुक गए?
कहा ना, हम सोच रहे थे क्यों ना आइसक्रीम खाया जाए, इसका आइसक्रीम बहुत ही अच्छा है। नहीं नहीं, घर जल्दी पहुंचना होगा, नहीं तो माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। अरे माँ गुस्सा काहे होएगी, हम उनका इजाजत लेके आए हैं ना, और दुनिया का कोई भी माँ आइसक्रीम खाने से गुस्सा नहीं होती। देरी हो जाएगा। कुछ देरी नहीं होगा, तुम उतरो, हम अभी आइसक्रीम लेके आते। अरे वो कप वाला आइसक्रीम मिलेगा का? हाँ भैया मिलेगा ना। एक काम करो, ई वापिस रख लो और ऊ दो दे दो। हेलो, 20 रुपए वो किलो। किलो आइसक्रीम, वो आइसक्रीम वाले के पास सिर्फ एक ही आइसक्रीम था, इसलिए हम सोचे कि एक से ही खा लेंगे। वैसे हम हनीमून के लिए कब जा रहे हैं? काहे? काहे मतलब? अच्छा, तुमको ऑफिस में अर्जी देना होगा ना, दे दो छुट्टी। हमारा मतलब अर्जी। ठीक है, हम देखते हैं, अगर छुट्टी मिल गया तो। तुमको छुट्टी के लिए कौन मना करेगा? प्यारे, प्यारे। अरे ये आइसक्रीम तो खत्म हो गया, अभी हम दूसरा आइसक्रीम लाते हैं। का? आप तो हमको बोले थे कि उसके पास खाली एक ही बचा था। हाँ बोले तो थे, लेकिन झूठ बोले थे। हम सोचे एक ही कप से साथ में आइसक्रीम खाएंगे, बोलेंगे तो बुरा लगेगा। कारे बबलू बबुआ, ये कोनो तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? बिल्कुल सही कह रही है। अरे 3 बार हमारा टिकट कैंसिल हो चुका है, कितना 3-5 करके तो बुलाए थे वो नेता को, सोचे थे मामला ठीक हो जाएगा, पर तुम अपना भाई के साथ मिलकर नेता बन गए और लगे लंबा लंबा भाषण छाड़ने, सारा किया कराए पर पानी फेर दिए। देखो आ गए दोनों मूरत पूरा भागलपुर में चक्कर मार के। कारे पिंटुआ, पति और दामाद बनने से पहले तने की घर का बेटा बन जाता। तुम तो अपनी घरवाली की तरफदारी के चक्कर में ई घर का ई खानदान का इज्जत डुबा दिए। पिंटू ने इज्जत डुबाया नहीं, इज्जत बचाया। कृष्णा ये घर की बहू है, और ये कृष्णा का नहीं हमारे खानदान का बेइज्जती भी था। हमारे घर में सब खाना खाने आते हैं, लोग उल्टा सीधा बोले हमारे बहू के बारे में, और हम सुनते रहे, कहां का व्यवहार है? पिंटू और बबलू ने कहा गलत कहा, एकदम सही कहा।
सबका सामने अपना घर का मान मर्यादा बचा है और ये सबको बता दिया कि कृष्णा जैसी भी है ये घर की बहू है, ये घर का मान मर्यादा है। हम किसी को भी इस घर का मान मर्यादा इज्जत को उछालने नहीं देंगे। टुनटुन बहुरिया, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं। आदमी का एक कदम घर से बाहर निकलता है तो दूसरा कदम समाज में रखता है, और सर समाज से दुश्मनी मोल लेना सही नहीं है। और समय रहते तुम भी ये बात को समझ लो तो अच्छा रहेगा। अपनी सुपारी तो खिलाइए बुआ जी। हम सोचे थे कि कृष्णा का भूरिया बन के आने के बाद फायदा होगा, बाकी यहां तो उल्टा नदी बहना शुरू हो गया, खाली नुकसान पे नुकसान हो रहा है। हमको कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हमारा दाव सही पड़े। अरे हाथ जल्दी से चला निकट्टू। बुआ जी हल्दी। हाँ रखो। तू खड़ा क्या है? अरे जाना जल्दी गुलाब जल लेके आ। खट्टू भरे हैं सारे घर में। बुआ जी गुलाब जल। हे भगवान, ई घर का होगा? अनाड़ियों की भोज भर के रखी है घर में। अरे हाथ जल्दी से हिला। हाँ हाँ, अब सही उपटन तैयार हुआ। अब बुआ ये कहाँ है? आप रसोई घर में क्या कर रही थी? नई बहुरिया के लिए उपटन बनवा रही थी। अब देखना नई बहुरिया का रंग कैसे दमक उठेगा। अरे कौवा भी इसे 3 महीना लगाए तो हंस जैसा हो जाए। ठीक है ठीक है। इतनी सज धज के सुबह सुबह कहाँ जा रही है बहुरिया? जी ऑफिस जा रहे हैं। इतने गहने पहन के? अरे बहुरिया जमाना खराब है, कहने तो लुटवाएगी साथ में जान भी गवाएगी। अबे ये क्या कह रही है बुआ जी? नया नया शादी हुआ है, 1.25 महीने तक सिंगार पितार तो होना ही चाहिए ना। गंगा बहुरिया, सिंगार पितार के लिए सुंदर होना भी जरूरी है। जाओ बहू गहने उतार के आ, और हाँ एक पुरानी सी साड़ी पहन के आना। ये उपटन हम तुमको लगाएंगे। दादी बुआ कृष्णा को ऑफिस जाने में देरी हो रहा है, डिप्टी कलेक्टर के साथ इसका मीटिंग है। अरे हमार बहुरिया कलेक्टर से कम है का? अरे जिनको मिलना होगा वो इंतजार करेगा उनका। अरे बुआ जी का बात कर रही हैं? बताइए कहाँ है? अरे राम राम राम, अब बहुरिया ये सब कहाँ लगाएगी बुआ जी? ये अफसर है और लोग इसको उसका रंग रूप से नहीं इसके गुण से जानती है। जाने दीजिए ना। जाओ जाओ छोटी दुल्हन, तुमको देर हो रहा होगा, जाओ। छोटी दुल्हन ये तुम सर पे पल्लू लिए काहे घूमती हो? सर पे पल्लू लेने का मतलब होता है बड़ों का सम्मान करना, और ये हम अच्छे से जानते हैं।
तुम दिल से हम सबका सम्मान करती हो, फिर ये पल्लू का दिखावा का है? और हमरे लिए हमरा बहू लोग जो है हमारी बेटी समान है। और बड़ी बहुरिया बताई नहीं का तुमको? हटाओ पल्लू, हटा दो। का बात है, ये टुनटुनवा अपनी बहुरिया पर बड़ा लाड दिखा रहा है। अरे गजब, ये हुई ना कौनो बात। भाभी, लेकिन एक प्रॉब्लम है भाभी। प्रॉब्लम? माँ, हमरे लिए हमरा बहू लोग जो है हमारी बेटी समान है। हटाओ पल्लू, हटा दो। अब ये पल्लू नहीं तो ये गहना भी उतार दो। बुआ जी जो कह रही है वही करो। अफसर बहुरिया ने तो हमारी सारी मेहनत बेकार कर दी। अरे ओ माधव। जी बुआ जी। अरे ताने की यहाँ तो आ आ टुनटुनवा। का हुआ? आ तू यहाँ बैठ। अरे बुआ जी का कर रहे हैं? बैठ तू यहाँ बैठ। ये सब के जिम्मेदार तो तुम ही हो, तो आप तुमको ही उपटन लगाना पड़ेगा। आप बात कर रही हैं? पकड़ो, पकड़ो, हम तो कहाँ से उपटन लगाएंगे? पिंटू से, हाथ नहीं लगाना। अरे डरो मत, हम हैं ना, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। अरे बुआ जी, अरे छोड़ो यार, लग गया लेट। कृष्णा, तुम ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस पूरे प्रदेश में तुम ही एकमात्र ऐसी वीडियो जिसने सरकार द्वारा आवंटित पब्लिक फंड का पूरा पूरा इस्तेमाल किया। देखो कृष्णा, माफ कीजिए। शायद छुट्टी के लिए फोन कर रहे हैं। कृष्णा, इस वर्ष अल बचत योजना के तहत हमें अधिक से अधिक मात्रा में रकम जमा करनी है, लेकिन वो भी बिना किसी दबाव के। सर, हमको आपसे कुछ बात करना है। हेलो, जैन सर। सर, हम बाद में बात कर लेंगे। हाँ सर। सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मैंने एक कार एक बहुत ही काबिल ऑफिसर के हाथ में सौंप दिया। कृष्णा, वो डीसी से बात हुआ? नहीं, नहीं हो पाया। तुम भी ना कृष्णा, आप चिंता मत कीजिए, हम बात कर लेंगे। ये का है भाभी? अब आप भी दरवाजा खटखटाएंगी? वो का बात है ना पिंटू जी, कि अब आप अकेले नहीं रहे, इन सब बातों का ध्यान तो हमको रखना ही पड़ेगा। आप कैसा बात कर रही हैं भाभी? आप तो ऐसा बात कर रही हैं जैसे हमारा शादी हो गया और हमारे सर पे सींग उग गया। हम बोल देते हैं, हम अपना परेशानी आप ही को बताएंगे। ठीक है, ठीक है, बताइए का परेशानी है। हटिए, वो
भाभी हम बहुत ही परेशान हैं। सब कह रहे हैं कि हमारा शादी पूरा नहीं हुआ। शादी पूरा नहीं हुआ? हाँ, वो कह रहे हैं कि जब तक हम नीमून पे नहीं जाएंगे तब तक हमारा शादी पूरा नहीं होगा भाभी। तो ये बात है, एक बात बताइए पिंटू जी, ये सब कहना आपके दोस्तों का ही है या आपका भी? भाभी, अब इसमें हम का कहें? वैसे आपको क्या लगता है? पिंटू जी, हमको लगता है कि भले आपके भैया और हम हनीमून पे ना गए हों, पर वो कहा है ना, आप दोनों को जरूर जाना चाहिए। भाभी, लेकिन एक प्रॉब्लम है भाभी। प्रॉब्लम? माँ, I'm sad of India.